वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बहाने सिंधिया और उनके परिवार को कांग्रेस द्वारा गद्दार कहने के सवाल पर सिंधिया ने कहा, जो उनकी भूमिका है वह निभाएंगे। जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। सिंधिया ने बड़े तल्ख लहजे में कहा, मुझे किसी को भी, खास करके मंच पर जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें अपना प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सिंधिया ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा, यदि उनको कांग्रेस इतनी चिंता थी तो मेरे पिताजी को कांग्रेस ने क्यों लिया, मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब सब आंखों में खटक रहा है, जो भी दुर्भावना है मुंह से प्रकट हो रही है। उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित। प्रियंका गांधी ने कहा और था। मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया, अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की है और ना मैं करूंगा। उनको अपनी सोच सलामत, मुझे मेरी जनता का के प्रति मेरी भावना, मेरा मेरे भगवान के रूप में मेरी जनता है, उनके प्रति मेरा समर्पण, उसी के आधार पर मैं काम करूंगा जिस रास्ते पे मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी।